हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शिखा। में कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू डूइंग वेल, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज हम सब जाने वाले हैं तरकुलहा देवी दर्शन को। तो मम्मी हाय करो। हाय। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। दर्शन करते हैं माता को। आप बने रहिए वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। आप भी हमारे साथ सतना देवी के दर्शन कीजिए। तो हम मंदिर में आ गए हैं। देखिए सामने तरकुलहा माता की प्रतिमा विराजमान है। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ। जय हो माता की। दर्शन करने के बाद यहाँ पे लोग जो चुनरी चढ़ी रहती है वो यहाँ देवी के को चढ़ा देते हैं, समर्पित करते हैं। ये वो देवी है और यहाँ पे मन्नत का धागा जो होता है वो आसपास यहाँ पे जो ये भी बनी हुई है इसमें लोग बांध देते हैं। आप भी यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए। तो हमने माता के दर्शन कर लिए, चलिए चलते हैं आगे। दे दो। देवी का इतिहास कुछ इस प्रकार है। 1857 में अमर शहीद बाबू बंधु सिंह को जब अंग्रेजों ने फांसी दी तो 6 बार फांसी देने के लिए जब उनको लटकाया जाता था तो फांसी का फंदा टूट जाता था। और 7वीं बार उन्होंने माता से आग्रह किया कि हे माँ, मुझे आप मुक्ति दीजिए क्योंकि मैं गुलामी का जीवन नहीं जी सकता। तब उनको फांसी लग गई और वहाँ पर एक तरकुल के पेड़ से रक्त की धाराएँ प्रवाहित होने लगी, बहने लगी। यही है तरकुलहा देवी का इतिहास। शॉर्टकट में आप विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। यह है दीन बंधु सिंह की प्रतिमा। यहाँ पे हमारे हांडी मटन पनीर और लिट्टी बनकर तैयार हो रही है। अब हम सब खाएंगे फटाफट से। ये जो बकरे आप देख रहे हैं यही सब बकरे हैं जो कि लोगों की मन्नत पूरी होती है तो लोग यहाँ पे बलि देते हैं और उसका प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं। तरकुलहा देवी का हांडी मीट बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं तो दर्शन करते हैं। और कुछ लोग तो बिना दर्शन किए सिर्फ मटन खाने यहाँ पे आते हैं
कि हांडी मटन यहाँ का खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। जो लोग खाते हैं वो बताते हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ फिलहाल। और तो हांडी मीट बनने का यहाँ का यही एक प्रथा चली आ रही है, जो कि बहुत पुराने समय से है। यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन करने के बाद मोस्टली मटन खाते ही खाते हैं। तो चलिए हम लोग भी अब अपना खाना एंजॉय करते हैं। तो हम लोगों का दर्शन और खाना पीना बहुत अच्छी तरीके से हो गया। यहाँ पे हमने बनवाया था हांडी मटन और हांडी पनीर। यहाँ पे देखिए आपको लाइन से ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स हैं इस तरह के, जहाँ पे आपको हांडी में मटन बना के वो सब कुछ देते हैं आपको। अगर आप घर से ले जाना चाहते हैं तो ले भी जा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे जाइए, बस वो पैसे लेते हैं और आपको अच्छा सा मटन, लिट्टी, चावल, जो भी आपको खाना है वो बना के खिला देते हैं, बस उसका चार्ज वो करते हैं। वैसे भी आप खुद भी बना के खा सकते हैं वहाँ पे जाके, लेकिन बनवा के खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जो कि बारिश बहुत ज़्यादा आज हुई थी तो इस वजह से बंद थी, कुछ ही खुली हुई थी। और लेकिन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन भी किए और खाया पिया भी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।